रॉकी रोड आइसक्रीम। एक कप फुल फैट कच्चा दूध लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, चुटकी भर नमक और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इंग्रेडिएंट की लिस्ट वीडियो के आखिर में देख सकते हैं। 50 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड ऐड करके मिक्स करेंगे। आप यहाँ 1 टेबलस्पून लिक्विड ग्लूकोज डाल सकते हैं। लिक्विड ग्लूकोज डालने से टेक्सचर और फ्लेवर बेहतर होता है। लो फ्लेम पर पैन रखकर उसमें चॉकलेट का मिश्रण ऐड करेंगे। इस मिश्रण को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर होने के कारण बैटर नीचे लग सकता है। लगभग 6 से 8 मिनट में मिश्रण रेडी होता है। मिश्रण रेडी है, गैस बंद करेंगे, मिश्रण को ठंडा होने देंगे। एक बड़े बोल में बर्फ के टुकड़े डालेंगे। जिस बोल में क्रीम व्हिप करनी है वो बोल इस बोल के ऊपर रखेंगे। उसमें 1 कप चिल्ड मेल्टेड व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। मार्केट में अलग अलग कंपनी की व्हिपिंग क्रीम मिलती है, उसमें से हायर ग्रेड की व्हिपिंग क्रीम लें। शुरू में 1 से 2 मिनट लो टू मीडियम स्पीड पर व्हिप करेंगे, बाद में हाई स्पीड पर सॉफ्ट पीक आने तक व्हिप करेंगे। व्हिपिंग क्रीम हमेशा फ्रीजर में स्टोर करें और जब आइसक्रीम बनाना हो उसके पहले निकाल कर फ्रीज में रखें। आइसक्रीम बेस करते समय व्हिपिंग क्रीम लिक्विड फॉर्म में और चिल्ड होनी चाहिए, उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी ना हो, इस बात की खबरदारी लें, वरना क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं होगी। ये देखिए इतना सॉफ्ट पीक चाहिए। बोल निकालकर अच्छे से पोंछ लेंगे। बोल को पानी बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। व्हिपिंग क्रीम रेडी है, उस पर छन्नी रखकर चॉकलेट का तैयार मिश्रण डाल के छान लेंगे। पाव कप कंडेंस मिल्क ऐड करके मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क की रेसिपी के लिए आई बटन पर क्लिक करें। बीटर से मिक्स करेंगे, इससे आइसक्रीम एकदम स्मूथ बनेगी। आइसक्रीम बेस रेडी है। दी हुई सामग्री में 1 लीटर आइसक्रीम तैयार होता है। मैं इसमें से आधा बेस यूज करने वाली हूँ। इसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड बादाम, 2 टेबलस्पून चॉप्ड काजू, 1/2 कप चॉप्ड मार्शमेलो, 2 टेबलस्पून जेम्स की गोलियां और 2 टेबलस्पून चोको चिप्स डालकर मिक्स करेंगे। अगर आप 1 लीटर आइसक्रीम बनाना चाहते हो तो सामग्री की मात्रा दुगनी करें। यह आइसक्रीम छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है। यह आइसक्रीम एयरटाइट कंटेनर में रख के 10 से 12 घंटे के लिए सेट होने रखेंगे। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर ना हो तो किसी भी बोल में आइसक्रीम रख कर उस पर क्लिंग रैप लगाकर सेट होने रखेंगे। आइसक्रीम सेट हो चुका है। लीड पर जो पानी है वो आइसक्रीम में गिरने ना पाए। ये आइसक्रीम फिर से फ्रीज में रखते समय लीड पोंछकर ही रखें। रॉकी रोड आइसक्रीम रेडी है। जेम्स और चॉकलेट सिरप से गार्निश करके सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।